मायरा। हेलो टीचर। तुमने लॉयन और माउस की स्टोरी सुनी है? नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज, हमारे एक चार्ट के थ्रू और हमारी स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू हम ये स्टोरी पूरी करेंगे। लेकिन ये स्टोरी क्या करनी है, तुमको पूरी करनी है। ये जो फिल इन द ब्लैंक लिख रहे हैं तुमको, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक लिख रहे हैं, तो इसको तुमको कहानी को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मायरा चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। जी ठीक है, तो ये स्टोरी का सबसे पहला कैरेक्टर है। क्या स्टोरी है हमारी, क्या लग रहा है तुम्हें यहाँ पर देख के? टाइगर। लॉयन। लॉयन क्या कर रहा है? सो रहा है। सो रहा है, कहाँ पर सो रहा है? झाड़ पर, झाड़ के नीचे, है ना। तो इसको कहते हैं द लॉयन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आएगा? लॉयन। लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर वॉट? ट्री। ठीक है, तो एक लॉयन होता है जो यहाँ पर सोता है झाड़ के नीचे, वो बहुत ही सुकून से सो रहा होता है। लेकिन उसका सुकून एक चूहे से देखा नहीं जाता। फिर क्या होता है मायरा? फिर एक चूहा कहीं दूर से आता है और देखता है कि लॉयन तो सो रहा है। फिर क्या करता है, उसकी धूप पर, उसकी पीठ पर वो उछल कूद शुरू कर देता है ना। ठीक है, तो इस स्टोरी का हमारा सेकंड लाइन क्या है? अ डैडस केम एंड प्ले ऑन हिज टेल। तो कौन आ गया? माउस। गुड, अ माउस केम एंड प्ले ऑन हिज टेल। ठीक है, अब ये जब इस तरह से उछल रहा है तब क्या हो जाता है, फिर लॉयन क्या हो जाएगा? फिर जाग जाएगा। लेकिन जाग कर वो खुश होगा क्या? नहीं, वो क्या आ जाएगा, बहुत ही गुस्से में आ जाएगा, है ना। तो सडनली लॉयन वेक, और क्या कर लेगा वो, उसको ऐसा पकड़ लेगा, है ना। तो सडनली लॉयन वेक अप एंड कैचेस द माउस। किसको पकड़ लिया? माउस को पकड़ लिया। तो क्या आएगा, सडनली लॉयन वेक अप एंड कैचेस, किसको कैच किया उसने? माउस को कैच कर लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा फिर। लॉयन बहुत ही गुस्से में है और वो लॉयन माउस से कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर वो माउस क्या बोलता है, नहीं तुझे मत खाइए, मैं जरूर किसी ना किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा। ये सुनकर वो लॉयन हंसने लगता है, हा हा हा, आई एम सो बिग, मैं इतना बड़ा हूँ और तुम इतने छोटे हो, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो माउस बोलता है, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं जरूर तुम्हारे दिन किसी दिन काम आऊंगा। फिर लॉयन बोलता है, ठीक है तुम चले जाओ। और फिर लॉयन टिक 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 वापस चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब लॉयन ऐसे जा रहा होता है तो वहां एक उसको क्या देखता है, शिकारी देखता है। कौन देखता है उसको? शिकारी को क्या बोलते हैं? हंटर। हाँ, तो ये जो हंटर है उसकी नजर लॉयन पे पड़ती है और वो हंटर बोलता है, हो हो हो, ये तो बहुत अच्छा लॉयन है, मैं इसे जरूर कैच करूंगा, हा हा हा। ये बोलकर वो जो शिकारी है, जो हंटर है, वो वहां पर एक जाल बिछा देता है। क्या बिछा देता है? जाल। तो जंगल में कौन आया? शिकारी। गुड, उसको कहते हैं हंटर। यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर सम टाइम हंटर केम टू द जंगल। ठीक है, अब फिर उसने क्या किया, वहां पर एक जाल बिछा दिया। क्या किया? जाल बिछा दिया। और एक दिन लॉयन जाल में फंस जाता है। किसके थ्रू लॉयन को पकड़ा शिकारी ने? जाल को कहते हैं नेट। तो यहाँ पे क्या आया, ही कैचेस द लॉयन थ्रू नेट। नेट के थ्रू उसको पकड़ लिया। अब जब तुम्हारा जो लॉयन है वो यहाँ पर फंस गया है, तब वो क्या करेगा? अगर कोई फंस जाता है कहीं पर तो क्या करता है फिर? बचाओ। हाँ, बहुत अच्छे, क्या करता है? बचाओ बचाओ, मदद के लिए पुकारता है। तो ये लॉयन है जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, समवन हेल्प, समवन हेल्प, समवन प्लीज हेल्प। तो
जब ये लायन इस तरह से पुकार रहा है तो दूर खड़े जो चूहे हैं, कौन है? चूहे हैं, जो दूर खड़े जो चूहे हैं वो उसको देख रहे होते हैं। बहुत सारे चूहे जब होते हैं तो उनको कहते हैं माइस, क्या कहते हैं? माइस। माइस तो बहुत सारे चूहे दूर खड़े इस तरह लायन को चिल्लाता हुआ देख रहे थे। लेकिन ये वाला जो माउस है ये क्या था पहले, जिसके इसने क्या किया था पहले, लॉयन को सताया था और लॉयन ने इसको पकड़ लिया था, लेकिन फिर बाद में इसकी रिक्वेस्ट पे लॉयन ने इसको छोड़ भी दिया था, है ना। तो अब ये लॉयन क्या करता है, देखता है अरे अपना जो दोस्त है वो तो परेशानी में है, हमें तो उसकी क्या करनी चाहिए, फिर मदद करनी चाहिए। तो फिर ये क्या करता है, अपने सारे मॉइस को जाकर बोलता है चलो मेरे साथ आओ, हम सब मिलकर उस लॉयन की मदद करते हैं। तो मदद के लिए कौन आया, बहुत सारे चूहे आए, तो उसको बोलते हैं माइस। तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, माइस। व्हाइल लिसनिंग लॉयन स्क्रीम सम माइस केम देयर। अब बहुत सारे चूहे आते हैं और फिर क्या करने लगते हैं चूहे, माइस कैसे निकालेंगे लॉयन को, कतर कर। गुड, तो ऐसा कट 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 कतरो तुम भी, कट 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 कतरो तुम। माइस क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह से किसको कतरते हैं, लॉयन को नहीं, जाल को यानी नेट को कटते हैं। सब किट 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 सारे चूहे जाल को यानी नेट को कतर के खत्म कर देते हैं। फिर अब लॉयन क्या हो गया, फ्री हो गया, हो गया ना फ्री। हाँ, फ्री होने के बाद लॉयन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाएगा। लॉयन क्या हो जाता है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसके दोस्त को क्या बोलेगा खुश होने के बाद, थैंक यू। तो लॉयन बोलता है थैंक यू, मुझे लगा तुम इतने छोटे हो तुम मेरी क्या मदद करोगे, पर तुमने मेरी बहुत मदद की, चलो आज से हम सब मिलकर दोस्त बन जाएंगे। फिर हंसी खुशी सब मिलकर क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। तो दे फ्री द लॉयन एंड दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स यानी दोस्त। तो इस तरह से सब दोस्त बन गए और फिर हंसी खुशी यहाँ पर जंगल में सारे लोग घूमने लगे। आई समझ में? जी, इसका